हाय मेरी चड्डी गैंग, कैसी हो? कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस ये तीन लाइनें बोल दो, आपका पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाएगा। ठीक है, बिना चड्डी के टुकड़ी टुकड़ी भागता हुआ आएगा, बावला घोड़ा लेके आएगा या बावला चूहा लेके आएगा, ट्र भागता हुआ आपके पास आएगा, आपकी गर्लफ्रेंड भागती हुई, ठीक है, मटका लेके भागेगी कि आए ले पानी पी मटके से, मैं तो आ गई तेरे पास। तो कौन सी वो तीन लाइनें हैं, कौन सी वो तीन बातें हैं जो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर को बोलनी है, जिसकी वजह से वो आपको याद करना जरूरी समझे, आपको कॉल करना जरूरी समझे, आपकी केयर करना जरूरी समझे वो गांडू आपका बॉयफ्रेंड, वो गधी आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए तड़पती रहे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी तुम चीज़ों को समझ पाओगे और अच्छे से पॉइंट कर पाओगे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ जाके आप डायरेक्ट मुझसे कॉलिंग पे बात कर पाओगे, चार्जेबल कॉल रहेगी, ठीक है। अब मेरे फर्स्ट लाइन पे आएंगे, कौन सी लाइन ये बोलनी है कि यार अब रिलेशनशिप में वो वाली बात नहीं रही यार, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, अब आप कोई और गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, अब आप कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड बना लो, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं चूतिया बॉयफ्रेंड हूँ, मैं गधी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं आपको समझती भी नहीं हूँ, समझता भी नहीं हूँ यार, मेरे अंदर से फीलिंग भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, अब हमें नए तरीके से अलग हो जाना चाहिए, आपको अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, मैं भी अपनी नई लाइफ के लिए भागूंगी या भागूंगा। आपको अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को अटैक देना है कि अब हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, जब आपको लग रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बहस हो रहा है, आपका बॉयफ्रेंड हीरो बनेगा कि मैं तो हीरो हीरा लाल हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं मैं तो भाई राजकुमारी हूँ, ठीक है, वो कहेगी ओके एज यू विश, जो आपको सही लगे, है ना। अगर ऐसे बोल ले आपका बॉयफ्रेंड, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बोले, अगर नहीं बोले कि नहीं हम रहना चाहेंगे, तो आप यूँ कहना चलो बाय, अब आप इंजॉय करो, आज से आप फ्री हो, अब आपका विजय आपके लिए मर चुका है, अब आपकी रेशमा या पूजा या बसंती जो भी आपका नाम है आप अपना नाम ले लेना, ठीक है, माइंड मत करना किसी का नाम ले लिया, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, एक तरीके से बता रहा हूँ मैं पारो हूँ बसंती हूँ, वो आपके लिए मर चुकी है, अब आप नई गर्लफ्रेंड बना लो, और इतना बोल के आप फ़ोन कट कर दोगे, ठीक है। इससे होगा क्या, कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर वो चकचुंदरा तो हमें छोड़ना चाहता है हमारा बॉयफ्रेंड, सर हमारी चकचुंदरी गर्लफ्रेंड तो हमें छोड़ना चाहती है, अरे वो चकचुंदरी चकचुंदरा है ना तुम्हारा, वो बड़ा हीरो बनेगा हीरोइन बनेगी, देखो उसको एनर्जी आएगी खुला, ठीक है, वो मज़े लेगा 5-7-10 दिन वो मज़े लेगी, फिर बाद में उसकी ऐसी गांड फटेगी आपके बॉयफ्रेंड की आपकी गर्लफ्रेंड की, वो आपको कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा, वो आपसे प्यार करता है क्या, करती है क्या, खुद से क्वेश्चन करो, कितने साल हो गए रिलेशनशिप को, 5 मंथ 6 मंथ 1 साल 2 साल, अटैचमेंट तो है, मेंटली अटैच हो फिजिकल भी अटैच हो ना, तो ऐसे कोई छोड़ देगा क्या, छोड़ देगी क्या, नहीं छोड़ेगा ना, नहीं छोड़ेगी ना, तो यहाँ साइकोलॉजी क्या वर्क करेगी कि उसे आपका प्यार फील होगा तो वो ये सोचेगा या ये सोचेगी यार ये लड़की कल तक मेरे बिना मर जाती थी, ये लड़का मेरे बिना नहीं रह पाता था, 1000 कॉल मैसेज करता था, आज मेरे बिना कैसे रह रही है, कैसे रह रहा है, तो वहाँ साइकोलॉजी ऐसे रिवर्स में वर्क करेगी कि बंदा आपको कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा, ठीक है, उसे खुद फील होगा। यहाँ क्या है, हम प्यार को फील करवा रहे हैं, ये रूल रहेगा कम से कम 10 से 15 डे का, ठीक है, ये कोई नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं है, आप धब्बा लगा रहे हो, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको 10 दिन के अंदर आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड डेफिनेटली अगर प्यार करती होगी या करता होगा तो घुटने टेक के आपके पास आएगा या आएगी, अगर नहीं है प्यार तो डॉक्टर की कितनी टैबलेट दे लो, मरीज को अगर बुलावा आ गया ऊपर जाने का तो वो मरेगा, वैसे ही तुम्हारा प्यार अगर नहीं है तो कितनी कोशिश कर लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आज नहीं तो कल छोड़ ही देगी, इससे ये प्रूफ हो जाएगा वो तुम्हारा प्यार नहीं है और है, ठीक है, बट मेरे को यकीन है कि 10 डेज तो ज़्यादा हो गया, पहले ही वो आ जाएगा या आ जाएगी, 3-4 दिन में आपको मना लेगी, फिर आपको नॉर्मली टाइम वगैरह देना है, ठीक है, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं वैसे अवेलेबल रहना है। अब आएंगे मेरे दूसरे पॉइंट पे, जब भी कोई आप पे ब्लेम लगाए कि तेरी गलती थी, तू ऐसी थी, तू ऐसा था, तू फलाना था, या पास्ट में आपको ले जाने की कोशिश करे आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड, एक ही बात अपने माइंड में डाल लेना, जब ऐसा रंडवा बॉयफ्रेंड ऐसी गधी गर्लफ्रेंड आपको टैग लगा रही है लगा रहा है तो आपको हमेशा यही कहना, हाँ मैं तो गलत लड़की हूँ, मैं तो गलत लड़का हूँ, अच्छा आपको यही पता मैं तो लड़कीबाजी करता हूँ, हाँ मैं तो लड़केबाज़ हूँ, ठीक है, आपको अपने ऊपर ब्लेम लेना है, जाओ ना अच्छी लड़की डिजर्व करते हो आप, जाओ जो साफ सुथरी हो, अच्छा लड़के के पास जाओ जो एकदम भाई संस्कारी हो, ठीक है, जाओ उसके पास जाओ, आपको ऐसे टैग लेना, मैं तो बहुत गंदी हूँ, मेरे तो 100 बॉयफ्रेंड है, मेरी तो 1000 गर्लफ्रेंड है, हाँ मैं तो उनके साथ फिजिकल हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, एक्सेप्ट करो, हाँ मैं तो चूतिया हूँ, गधी हूँ, गधा हूँ, यूँ कहना, अब ये गधा आपका कभी कॉल नहीं उठाएगा, ये गधी आपका कभी कॉल नहीं उठाएगी, ऐसे करके आप फ़ोन कट कर देना, कॉल ही मत उठाना, वो कहना अब मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये वो, यूँ कहना
एक मैसेज कर देना, आज के बाद मैं तेरा कॉल नहीं उठाऊंगी, मेरे को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है मैं अच्छी लड़की हूँ या अच्छा लड़का हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, जा बाढ़ में निकल, तेरे जैसे 100 आते हैं, तेरी जैसी 1000 आती है, इतना बोल के फ़ोन कट कर देना। गांड नहीं फट जाए तो, वो अपनी गलती फील नहीं करे तो, सॉरी नहीं बोले तो, देखो कोई ब्लेम लगाए ना वहाँ, प्रूफ मत दो। अगर आपके पड़ोस में चोरी हुई है, ठीक है, अब आप प्रूफ दोगे हमारे घर में क्यों चेक करोगे, हम नहीं हो, तुरंत चेक कर भाई, अगर आप चोर नहीं हो तो चेक करा दोगे, जो चोर होगा वही तो चेक नहीं कराएगा, समझ रहे हो, तो आपको प्रूफ नहीं देना, ठीक है, आपको यूँ कहना अगर तेरे पास प्रूफ है तो डेफिनेटली मैं गलत लड़की हूँ, गलत लड़का हूँ, छोड़ दे, बस आपको इतना बोल के फ़ोन कट कर देना। वो रंडवा, वो गधी आपको कॉल मैसेज करेगी, उससे गलती फील होगी कि मैंने गलत बोल दिया इस लड़के को, इस लड़की को, देखना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब आएंगे अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये रहता है कि यार तू अनमैच चोर है, तू समझती नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब पैरों तले रोन दिया जाता है, आपको गांडू समझा जाता है, आपको हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है, तो ऐसे गधे बॉयफ्रेंड का, ऐसी गधी गर्लफ्रेंड का क्या करें। देखो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है ना, आज मैं हूँ फ्री में अवेलेबल हो जाऊँ तो लोग हजारों कॉल कर देंगे, अरे वो गधा बैठा लगा हो रात के 3 बजे 4 बजे कॉल, हाँ मैं फ्री में हेल्प कर रहा हूँ यूट्यूब पे, अब पर्सनली मैं सबको कॉलिंग के चार्जेस लेता हूँ, क्यों लेता हूँ कि यार आप एक रोटी की जगह 100 रोटी खा पाओगे, नहीं खा पाओगे ना, एक गिलास पानी की जगह 100 गिलास पानी पियोगे तो 100 लोगों से मैं बात नहीं कर सकता, वहाँ जिनको नीड होगी वही बंदे पे करेंगे, डॉक्टर के पास वही जाएगा जिसको ज़्यादा नीड होगी, ठीक है, तभी तो पे करेंगे उसकी फ़ीस को, 200 500 जो भी है उसकी फ़ीस एक्सेट्रा, तो वैसे अपना रहता है सिस्टम, अच्छे से गाइड वगैरह करता हूँ, समझाता हूँ, तो वैसे ही तुम कम अवेलेबल रहो, क्योंकि तुम्हारी भी एक पर्सनल लाइफ है, दोस्त होगी, फैमिली होगी, अपना बिजनेस हो गया, जॉब होगी, ठीक है, अपने ड्रीम हो गए, उनको भी टाइम दो, कोई आपको ब्लेम लगाए तू ये है, यूँ कहना तेरे जैसे बहुत आते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तेरे को दे रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है, रहना है तो रह, नहीं रहना तो निकल यहाँ से, बोलना सीखो, ऐसे रिलेशनशिप जनरेट नहीं होता, ऐसे आप एक प्रैक्टिकल लड़के या लड़की निकल के उसके सामने प्रेजेंट हो गए कि भाई ये लड़की मेरे को कभी भी छोड़ देगी, ये लड़का मेरे को कभी भी छोड़ देगा, आप करके देखना आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। देखो यार आप इन लोगों को कंट्रोल मत करो, ठीक है, इन लोगों को प्रूफ मत दो, इन लोगों को समझाओ मत, अपनी लाइफ बताओ कि मेरे पास टाइम नहीं है और तू गाली गलौज कर रहा है, मेरे माँ बाप ने नहीं निकाली, तू कौन होता है रंडवे, तू कौन होती है गधी, चल निकल, ऐसे आप बोल सकते हो, ये मुठ्ठल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, ये तुम्हारी गुटली गर्लफ्रेंड है, तो इनको तुम ऐसे सबक सिखा सकते हो, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, बाकी खुद पे ध्यान दो, मम्मी पापा पे ध्यान दो, और थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपने भगवानों को टाइम दो 5-10 मिनट, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, एक रियल फैक्ट यही है, ठीक है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भाई को ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहना, ठीक है, ठीक है, जय हिंद जय भारत।